हाय फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए मैंने 250 ग्राम ये फ्रेश मलाई ले ली है। इसको अब मैंने लो फ्लेम पे गरम होने रख दिया है और इस मलाई के साथ ही मैं ये धागे वाली मिश्री का पाउडर डाल दूंगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, आपको जितना मीठा चाहिए, और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। ये मलाई में उबाल आ गया है अच्छे से, ये देखिए कितनी गाढ़ी है। ये मैंने एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है जो 200 ग्राम के करीब है। इसको मैं मलाई में इसी स्टेज पे डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से मिल्की टेस्ट आने लगे, इसमें क्रीमी टेस्ट आने लगे। और ये डेसिकेटेड नारियल अच्छे से भुन भी जाए इसमें, वरना इसमें थोड़ा कच्चा कच्चा टेस्ट आता है, तो मैंने इसी स्टेज पे इसको इस मलाई में मिला दिया है। ध्यान रखें इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये सारा नीचे लग जाएगा। और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखें। तो ये देखिए अब ये पूरा इकट्ठा होने लग गया, ये देखिए, और पैन को भी ये छोड़ने लग गया है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इकट्ठा हो गया और नीचे चिपक भी नहीं रहा है, ये देखिए। तो बस इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और मैंने एक ग्रीस की हुई प्लेट ले ली है जिसमें हम इसको निकाल देंगे। ये मैंने इनको ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल दिया है और इसको हम स्पून की मदद से इक्वली स्प्रेड कर देंगे इसमें। और इसको रूम टेम्परेचर पे ही सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार है हमारी खोपरा पाक या नारियल की बर्फी। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप भी ऐसे इजी वे में घर की मलाई से ये खोपरा पाक बनाइए, जिसमें ना तो दूध पाउडर, ना घी, ना शुगर सिरप, ना ही मावा, कुछ भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है हमने। तो ऐसे इजी वे में बनाइए और आप भी इसको इंजॉय कीजिए। थैंक यू।